नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप वेटिंग टिकट से यात्रा करते हैं या वेटिंग टिकट से यात्रा करने वाले हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडियन रेलवे ने वेटिंग टिकट को बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह दोस्तों रूल काफी दिनों से आ गया है और काफी दिनों से यह अप्लाई भी हो गया है, लेकिन मैं इस चीज को एनालिसिस करने के लिए कई बहुत सारे पैसेंजर से इस बात की पुष्टि की कि वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। वेटिंग टिकट वाले को भारी मात्रा में पेनल्टी लिया जा रहा है और साथ ही उन्हें अगले स्टेशन पे उतार दिया जा रहा है। दोस्तों पहले क्या होता था कि जब भी आप टिकट बुक करते थे, चाहे वो आप अपने IRCTC एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन बुक करते थे या दोस्तों ऑफलाइन विंडो से आप टिकट को परचेस करते थे, तो ऐसे में क्या होता था कि जो आपका ऑनलाइन टिकट होता था वह चाहे जितना भी नंबर वेटिंग हो, लेकिन जब एक बार चार्ट बनता था ट्रेन का 4 घंटे पहले, तो उस टाइम अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वह टिकट कंफर्म नहीं होता था तो वह टिकट अपने आप ही कैंसिल हो जाता था और वो रिफंड की प्रोसेस में चला जाता था, और जो रिफंड होता था वो 2 से 5 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में आ जाता था। अब दोस्तों वही काउंटर टिकट की बात करते हैं, तो जो काउंटर टिकट होता था वो अगर आपका टिकट वेटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यात्रा कर सकते थे। वेटिंग टिकट होने का मतलब यह होता था दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आपका स्लीपर का वेटिंग टिकट है, उस टिकट को लेकर आप स्लीपर क्लास में तो चढ़ सकते हैं, अब सीट आपको बैठने के लिए मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आप स्लीपर क्लास में यात्रा कर सकते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारे पैसेंजर क्या करते थे कि वेटिंग टिकट लेकर किसी दूसरे के सीट पे बैठ करके या नीचे सो करके अपनी यात्रा को पूरा करते थे। लेकिन दोस्तों अब वो यात्री वेटिंग टिकट को लेकर स्लीपर क्लास या AC क्लास किसी भी क्लास में यात्रा नहीं कर पाएंगे। और इसमें दोस्तों ऐसा भी होता था कि बहुत सारे पैसेंजर को अर्जेंट में जाना होता था, तो क्या करते थे बिना टिकट भी ट्रेन में घुस जाते थे स्लीपर क्लास में, और जब TT आते थे टिकट चेक करने के लिए तो वह पेनाल्टी देकर चालान बनवा लेते थे, और वह जो चालान होता था वो पूरा स्लीपर टिकट की तरह काम करता था, स्लीपर वेटिंग टिकट की तरह काम करता था, उससे वो पूरे ट्रेवलिंग कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। उनको पेनाल्टी चार्ज देना होता था और ट्रेवलिंग का जो रहता था फेयर वो देना होता था, और वो चालान पे ही यात्रा कर लेते थे, वो टिकट भी नहीं खरीदते थे। तो अब ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। अगर दोस्तों आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा करते पाए गए तो आपके ऊपर भारी से भारी पेनल्टी लगेगी, और दूसरा अगले स्टेशन पे आपको उतार दिया जाएगा, उसमें आप स्लीपर में नहीं बैठ सकते। हाँ आप जनरल कोच में जाकर के यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। यहाँ पे दोस्तों जनरली होता क्या था कि जो स्लीपर और आजकल तो AC के क्लास, जब से ये नियम लागू हुआ उससे पहले तो AC तक के क्लास में भी दोस्तों वेटिंग वाले भर जाते थे, जिसके वजह से जिनका कंफर्म सीट होता था, कंफर्म टिकट होता था, उनको काफी दिक्कत होती थी। तो वहां पे वह रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पे कंप्लेन करते थे कि मेरे सीट को कोई और कब्जा कर रहा है। ऐसे ही दोस्तों स्लीपर में भी होता था कि एक एक यात्री पे 3-3 यात्री बैठ जाते थे, तो ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे रेलवे के पास कि जिनका कंफर्म टिकट है वो भी नहीं सही से यात्रा कर पा रहे थे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए रेलवे ने ये बड़ा कदम उठाया कि अब वेटिंग टिकट वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी, जिससे जिनका कंफर्म टिकट है वो सुखद यात्रा कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे दोस्तों आपके फैमिली मेंबर और दोस्तों को भी पता चल सके इस नए नियम के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।